हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आपके सामने जो नज़र आ रही है ये है बॉलीवुड सितारों की पेंटिंग, और इसे इस मुराल पेंटिंग को बनाने के लिए जो एक बहुत बड़ी आई थिंक जो काम किया है वो किया है रंजीत सर ने। रंजीत सर, आप कैसे हैं? आई एम गुड सर, थैंक यू वेरी मच। रंजीत सर, आपके काम के बारे में थोड़ा बताइए, मुराल पेंटिंग्स जो बनाते हैं आप। हाँ सर, आई पेंट लॉट्स ऑफ बॉलीवुड म्यूरल्स। आई स्टार्टेड दिस प्रोजेक्ट कॉल्ड बॉलीवुड आर्ट प्रोजेक्ट इन 2012। सो फ्रॉम देम देन आई एम पेंटिंग लॉट्स ऑफ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ऑन द बिग वॉल्स। सो या आई मीन आई डू। तो आप मुझे एक एक करके बताएंगे कौन सेलिब्रिटीज क्या है और किस तरह से आप? हाँ सर, आई विल डेफिनेटली। इसे शर्मिला टैगोर का ये है, स्टूडेंट नहीं बनाया, दो स्टूडेंट्स ने इकट्ठे होके उन्होंने इसको बनाया, अच्छे से बनाया है। और देख दिखा एक बार, क्या फाइनल टच दे रहे क्या? वेरी गुड, रुक दो मिनट, मैं दिखाता हूँ इनको एक बार। सो दिस इज अपना लता मंगेशकर जी, सॉरी, दिस इज लता मंगेशकर जी का म्यूरल है, जो आज उनका बर्थडे भी है। सो या दिस इज वन ग्रुप, हाँ एक ग्रुप ने ये बनाया। और दिस इज राज कपूर साहब, हाँ The legend, yes, the showman. Show must go on. Yeah, the show must go on. Actually, yes. Very nice, yeah. Very nice mural painting. Yeah, yeah. What else you are storing? You want to show us? Yeah, this is Vahidar Rahman. Okay. So this is one group. They really made it very well, I think. So you must be remembering him with the guide and other movies. Yeah, right? Yeah, the guide and like lots of amazing movies. Okay. So anything that you want to talk about? Anything about Vahidar Rahman? हाँ, वहीदा मैम का जो ग्रेस, शी स्टिल ए वेरी ग्रेशियस लेडी नाउ, एंड द आई थिंक आई कैन से वन ऑफ द लीजेंड बॉलीवुड एक्ट्रेस ऑफ 60s, एंड दैट आई थिंक बिफोर 60s ओनली, 50s, एंड शी इज अमेजिंग लेडी। हाँ, मतलब आई हैव पेंटेड अमिताभ बच्चन्स लाइक इंडियाज टॉलेस्ट म्यूरल ऑफ अमिताभ बच्चन ऑन सीलिंग इन मुंबई ओनली, एंड या माई स्टूडेंट पेंटेड दिस ऑल्सो एंड इट्स केम आउट वेल, सो नाइस। श्योर श्योर श्योर, यास यस, दिस इज नरगिस मैम, नरगिस दत्त, आई मीन माई स्टूडेंट चोज दिस, लाइक वी वॉन्ट टू पेंट। No, I don't know. I still don't remember the Aki. It might be a still, not from the movie. Okay. So, yeah, I mean, I think that maybe created. And one of the youngest diva in the Bollywood industry, Rekha ma'am, yes. Painting has been drawn in a very great way. Is painting ke bare mein kuch kahenge aap? Haan, matlab Rekha ji ka inhone banaya hai, since they made it very beautifully. And yeah, I mean, the students really... No, yaar, it's amazing. Okay. Yeah. There are few more paintings that sir want to tell us. So, do aur painting ke bare mein agar bata sake, Raj Kapoor ke bare mein ye ek aur painting yes. Banayi ki kya bahut zyada pyar hai sir ke liye? Of course sir, they are the one of the industry's pioneers. Okay. And I mean this is just a small, but I want to paint big of Raj Kapoor sahab ka. So because I can say ki like because of that golden age 1960s, because of these guys, you know, they how they build the whole Bollywood industry and what we are today. So I think inka bahut bada sahyog hai us pura building mein. And the last thing, we have something like for color wagaira use kiya ja raha hai painting mein, haan. Black and white ke alawa aur bhi colorful lag raha hai, iske bare mein agar tum bata sake. Haan, ye Nargis ji ka painting banaya hai students ne, so dikhao, ye bhi hai, so they painted. इस तरह की पेंटिंग बनाने में कितना डिफिकल्ट लगता है, कितना वक्त लगता है? डिफिकल्ट बहुत है, पर सर ने इजी कर दिया हमारे लिए। हम लोगों को स्टार्टिंग में लगा था नहीं कर पाएंगे, पर धीरे धीरे प्रोसेस में कर लिया है। ये आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो आप खुद भी बनाते हैं बड़ी बड़ी मुराल पेंटिंग्स, एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड कि आपने दादा साहब फाल्के साहब की पेंटिंग बनाई, अमिताभ बच्चन की पेंटिंग बनाई, एंड आपने इंडिया के बाहर भी एक बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई थी, मधुबाला। यस यस, yeah, I went to Greensboro in North Carolina. Okay. And painted basically that guy, he's an Indian only, Ram, his name is Ram, he came to India and he saw my Madhubala mural on Chapel Road, and then he was like wondering who is she, so then that guy figured out ki who is she, then he read about her
and he really got inspired. Ki, wow, she was like one of the amazing lady of Bollywood who was like badi kam umar mein unka dehant ho gaya tha, 39 year mein. So he read it and then he searched about me, who painted this, and then it, he he figured out, and then he called me to US to paint Madhu Balaji ka mural on his wall. So yeah. तो ये थे हमारे साथ रंजीत सर, जो कई सारी पेंटिंग यहाँ पे बनाते हुए नजर आए. बॉलीवुड के लिए एक असली ट्रिब्यूट जो दिया गया है वो सर की तरफ से दिया गया है, चाहे वो नरगिस जी हो, चाहे वो राज कपूर हो, चाहे वो रेखा जी हो. इस तरह से तो इस तरह खबर जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीवुड क्रेजीज को. चलिए फिलहाल इतना ही, बाय बाय.